नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं बात करूंगा कुवैत और ओमान दोनों जो महामारी हो चुकी है, इसमें कितने इंडियन अब तक शिकार हो चुके हैं, जो कि लगातार ये महामारी बढ़ता ही जा रहा है। ओमान में बता दें आपको कि सेकंड फ्लाइट जाने वाली है, जो कि कौन से स्टेट की है जाने वाली इंडिया के लिए होंगे। आपको बता दें कुवैत में कर्फ्यू चल रहा है, जो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक जरूर कर दें। सबसे पहले आपको बता दें इस समय ओमान में क्या चल रहा है। ओमान में आज काफी भारी भरकम केस आए, टोटल जो कि अब तक रिकॉर्ड हाईएस्ट केस था, हाईएस्ट केस आज के दिन आए, जो कि काफी भारी मात्रा में केस आया। महामारी की वजह से लगातार ये केस का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। टोटल केस की आज की बात करें तो आज 175 नए केस आए, जो कि काफी ज्यादा अब तक का हाईएस्ट केस है। लगातार इस सिलसिले में बढ़ता ही जा रहा है। टोटल केस जो कि बात करें तो 3399, तकरीबन 3400 केस अब तक ओमान में हो चुके हैं इस महामारी की वजह से। इसमें आपको बता दें लगभग 50-60% खारजी लोग हैं, जो नॉन ओमानी हैं, विदेश से रहने वाले, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या अदर कंट्री के हैं। वहीं इसमें बात करें जो आज नया केस आया, इसमें रिकवरी की बात करें तो 49 आदमी रिकवरी भी हुए हैं, जो कि काफ़ी गुड है। टोटल रिकवरी की बात करें तो आपको बता दें 1117 आदमी अब तक रिकवरी इसमें किए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिकवरी तो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। 49 आदमी आज रिकवरी किए ओमान में, जो कि काफ़ी बेहतरीन हुई। आपको बता दें इसमें मौत का सिलसिला तो लगातार भाई बढ़ता जा रहा है ओमान में, का मतलब लगातार दिन ब दिन यहाँ पे ये सिलसिला बढ़ ही रहा, थम नहीं रहा, एक के बाद एक लगातार मौत का सिलसिला बढ़ा। वहीं बात करें तो टोटल 70 आदमी अब तक यहाँ पे मारे गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि ये आपको मालूम होगा इस समय तो थोड़ा बहुत तो कंट्रोलिंग में था, लेकिन अब ये मामला अब तक खारजी लोगों तक जाके पहुँच गया। इसी में आपको बताते हैं जो आज का केस आया इसमें ओमानी लोग कितने, बात करें तो 52 आदमी ओमानी है, 123 आदमी जो हैं वो नॉन ओमानी हैं, मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान कहीं के भी हो सकते हैं, जो कि काफ़ी आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस समय ओमानी लोग तो बस 20-25% आ रहे हैं, बाकी तो खारजी लोग आ रहे हैं, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, क्योंकि ये ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। लगभग 8-10 लाख इंडियन, फिर 5-7 लाख पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ऐसे ही रहते हैं। वहीं अब बात करें कुवैत की, कुवैत में भी आज काफ़ी ज़्यादा केस आया, 1065 केस आया आज के दिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लगातार वहाँ पे अब भी फुल लॉकडाउन कर दिया गया, पूरा कर्फ्यू कर दिया गया है। सुपरमार्केट खुले रहेंगे, वही थोड़े बहुत जो जिस तरह लॉकडाउन में छूट दी जाती है उसी तरह छूट दिया जा रहा है। यहीं आपको बता दें इसमें टोटल केस की बात करें तो 8688 केस यहाँ पे पहुँच चुका है अब तक, मतलब लगातार यहाँ पे 1000+ अब मरीज आने लगे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि काफ़ी खतरनाक ये वायरस हो चुका है कुवैत में काफ़ी खतरनाक ये केस लगातार यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। कतर में तो और ख़राब स्थिति है, कतर की बात करें तो कतर इस समय दूसरे नंबर पे चल रहा है। पहले नंबर पे सऊदी अरबिया चल रहा है, दूसरे नंबर पे कतर चल रहा है, उसके बाद दुबई चल रहा है। वहीं अब कुवैत में जो कि काफ़ी भारी भरकम हुई, आपको बता दें अब तक आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ पे, 9 आदमी इसमें आज के दिन मारे गए हैं, जो कि इस मरीज महामारी का जो मरीज है इसकी वजह से 9 आदमी, आप सोच समझ सकते हैं कि कितना भयानक ये रूप ले चुका है कुवैत में। टोटल अब बात करें तो टोटल 58 आदमी अब तक इसमें मारे गए हैं ये महामारी की वजह से। वहीं इसकी वजह से कुवैत ने जो कि पूरी तरह से वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं आपको बता दें आज के दिन चेन्नई टू कुवैत ये फ्लाइट बस थोड़ी ही देर में जाने वाली है, जो कि बहुत सारे यात्री हैं इसमें जो पहले आवेदन किए थे उन लोगों को इंडियन एम्बेसी ले जा रही। अगर जो आप भी जाना चाहते हैं तो इंडियन एम्बेसी पर जरूर रजिस्टर करें। तो ये थी ओमान और कुवैत की न्यूज, जो कि काफ़ी लगातार महामारी फैलता जा रहा है। दोनों देशों में काफ़ी भारी मात्रा में इंडियन वहाँ पर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंडियन वहाँ पर रहते हैं, इसका शिकार भी हो रहे हैं। तो यही एडवाइस दूंगा, आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखें और साफ सफाई का बराबर ध्यान रखें, जो कि काफ़ी बेहतरीन रहेगा इस वायरस का, क्योंकि ये तो अब बहुत चीज़ों में लगातार बहुत जगह पे ये फैल चुका है। तो आई होप अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।